हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत के लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो तमाम जितनी भी खबरें हैं आज की डेट की सारी चीज़ें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी और ऐसी लेटेस्ट नो अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ में वाले आइकन पर करना ना भूलना इससे जो है लेटेस्ट अपडेट प्राप्त तो होते रहेंगे तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले उत्तराखंड की लेटेस्ट न्यो अपडेट के बारे में जो कि शिक्षा विभाग की और यहाँ पर देखिए प्राथमिक जूनियर शिक्षक जांच के लपेटे में तो आपको बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र वाले हैं ऐसे में तो उनकी जो है जांच चल रही है और राज्य की प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों में भी शिक्षकों जो फर्जी प्रमाण पत्र हैं उनकी नियुक्ति को लेकर जो है एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पर जो है जाँच करने वाली है और इसके लिए जो है एक बार फिर से जो है यहाँ पर ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो बाहर आ गई है एस आई टी की टीम जो है यहाँ पर कौन कौन से प्रमाण पत्र जाँच करने वाले हैं यहाँ पर देख सकते हैं इन प्रमाण पत्र की होगी जाँच तो यहाँ पर शिक्षकों से जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक और प्रशिक्षण टी टी स्नातक कोर्स जाति और स्थायी निवास प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति मांगी गई है तो इन सभी जो है स्व प्रमाणित छाया प्रति मांगी गई है इतनी चीज़ों की और सभी के प्रमाण पत्र संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं को भेजकर सत्यता प्रमाणित कराई जाएगी तो यहाँ पर जो है इसका सत्यापन किया जाएगा जा, जो भी शैक्षणिक संस्थान है इनको भेजा जाएगा जा, किसी के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए या दूसरे के प्रमाण पत्रों पर नौकरी पाए गई तो उनके खिलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो यहाँ पर जो है कानूनी की कार्रवाई यहाँ पर करने वाले हैं उसके खिलाफ़ और वही बात करें नेक्स्ट खबर की नेक्स्ट खबर देखते हैं यहाँ पे स्वेच्छा से पूरा वेतन दे देंगे पर मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी तो यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी के नाम पर हर महीने एक दिन का वेतन काटने के सरकार के फैसले का विरोध यहाँ पर जारी है और रविवार को जो है राजकीय शिक्षक संघ ने ऑनलाइन संवाद कर सरकार से शिक्षकों के से जो है वेतन काटने जो कटौती हो रखी है पैसों में उसकी यहाँ पे कटौती को वापस लेने की यहाँ पे मांग भी कर रखी है और शिक्षकों ने कहा कि देश और समाज पर विपत्ति की घड़ी में हर देशवासी के साथ जो है है इस तरह से यहाँ पर कहा गया है बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की नेक्स्टवर्ट देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षकों की वर्षता विवाद में उलजा शिक्षा विभाग तो यहाँ पर वरिष्ठता को लेकर जो है काफ़ी विवाद चल रखा है तो यहाँ पर नाइनटीन एटी सिक्स और नाइनटीन नाइन्टी के तदर शिक्षकों पर आठ से ज़्यादा आपत्तियाँ समायोजित और सीधी भर्ती वाले एल टी शिक्षकों में भी खींची तलवार है तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है और शिक्षा विभाग में शिक्षकों की सीनियरिटी के मुद्दे ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है लड़ाई सीधी भर्ती वाले एलटी शिक्षक और तदर शिक्षक से परमानेंट व जूनियर से एल टी कैडर में समाजी शिक्षकों के बीच है तो यहाँ पर इनके बीच यहाँ पर लड़ाई चल रही है इस मैच क्योंकि यहाँ पर एक कह रहा है कि इस तरह से यहाँ पर सीनियरिटी होनी चाहिए तो सीधी भर्ती वाले और जो यहाँ पर तदर्थ शिक्षक वाले हैं उनका अलग से यहाँ पर कहा गया है तो तदर्तर और जूनियर हाई स्कूल से समाजी शिक्षक बैक डेट से सीनियरिटी की मांग कर रहे हैं और सरकार और हाईकोर्ट से उनके पक्ष में फैसला भी आ चुका है तो यहाँ पर बैक डेट में जो सीनियरिटी वाइज करने के लिए यहाँ पर कहा गया था तो उनका जो है पक्ष हाईकोर्ट ने भी मान लिखा है तो यहाँ पर वही जो सीधी भर्ती वाले हैं एल वाले तो उनका कहना यह है कि इसका जो है काफ़ी विरोध किया है उनका कहना है कि बैक डेट से यहाँ पर नहीं होना चाहिए ताकि और को भी जो है मौका मिल सके इस तरह से यहाँ पर कहा गया है और वही बात करें नेक्स्ट वर्ग नेक्स्ट वर्ष देख सकते हैं प्रमोशन में आरक्षण को जल्द समाप्त करें प्रदेश सरकार तो यहाँ पर जो है प्रमोशन में जो है आरक्षण नहीं होना चाहिए ऐसा यहाँ पर कहा गया जनरल ओबीसी बी सी एसोसिएशन ने तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल ओबीसी बी सी एसोसिएशन ने पदोन्नति में आरक्षण को जल्द से समाप्ति किए जाने की मांग की है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अध्यादेश लाकर इस दिशा में कानून तैयार करे तो यहाँ पर जो है अध्यादेश लाकर जो है इसकी जो है कानून एक तैयार करे ऐसा यहाँ पर कहा गया है बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं यहाँ पर, है पर मूल्यांकन शुरू हो चुका है उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का जो यहाँ पर मूल्यांकन वो शुरू हो चुका है परीक्षार्थियों के काम को शिक्षकों ने सराहा तो यहाँ पर देख सकते हैं अल्मोड़ा जिले के चार मूल्यांकन केंद्रों पर हो रहा है बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन छात्रों के काम से खुश अध्यापक तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर कहा गया है इस बार बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों ने सकारात्मक के साथ जो है काम किया है छात्रों के अच्छे काम से शिक्षक भी प्रभावित हो रहे हैं अब तक जांची गई कॉपियों में छात्रों ने अच्छा कार्य तरीके से यहाँ पे करने की यहाँ पे जानकारी मिली है प्रवेक्षक को इस तरह से आप कहाँ हैं और वहीं बात करूँ नेक्स्ट हफे की नेक्स्ट पवे देखते हैं आप गढ़वाल विश्वविद्यालय की बात है तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं की तैयारी तेजी की है तो इसके लिए जो है एट्टी फाइव हज़ार छात्र सेमेस्टर परीक्षा में होंगे शामिल तो यहाँ पर पिचासी हज़ार लोग जो है सेमेस्टर परीक्षा में यहाँ पर शामिल होने वाले हैं तो इसके लिए जो है तैयारी कर दी गई है तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की यू एम पी जी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में करीब एट्टी फाइव थाउजेंड छात्र छात्राएं जो है शामिल होंगी और गत जो है पच्चीस जून को परीक्षा आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक जो है एट्टी फाइव हज़ार लेकिन पिचासी हज़ार छात्र छात्राओं ने यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म जो है भर दिए हैं और विश्वविद्यालय के स्तर से परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी जोर शोर से यहाँ पे चली हुई है और कोरोना के चलते जो है इस बार परीक्षा का पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर रखा गया तो ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे पेपर होने वाले हैं और इसके बाद बात करें नेक्स्ट खबर की तो अभिभावकों ने सीएम से लगाई फीस कम करने की गुहार तो यहाँ पर जो है अभिभावक ने कह रखा है कि यहाँ पर जो फीस है उसको कम करें ऐसा यहाँ पर कहा गया है सी से यहाँ पर गुहार लगा रखी है तो यहाँ पर देखते हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और देहरादून में अध्यनंतरित हरिद्वार के मेडिकल अभ्यर्थियों के अभिभावकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर फीस कम करने की मांग की है तो यहाँ पर जो है फीस कम करने की यहाँ पर मांग कर सी एम से और वहीं बात करो नेक्स्ट खबर की तो नेक्स्ट खबर देखते हैं यहाँ पर परीक्षा फीस वापसी को तैयार नहीं कॉलेज तो यहाँ पर जो है एच एस बी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध अशासकीय कॉलेज छात्रों को अतिरिक्त परीक्षा फीस वापस करने को तैयार नहीं तो अतिरिक्त फीस जो ले रखे वो वापस नहीं कर रखा है विश्वविद्यालय ने फीस वापस के वापसी के लिए जो है कॉलेजों को करीब एक करोड़ चार लाख रुपए की रकम वापस की हुई है लेकिन चार महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी यहाँ पे जो है सभी छात्रों को फीस वापस नहीं हो पाई है तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर गैर हाजिर परीक्षकों को आज तक की मौलतों यहाँ पर जो ग्यारह परीक्षक हैं उनको जो है आज तक की मौल दे रखी है तो देख सकते हैं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से संचालित स्कूल इंटर बोर्ड की शेष रही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन रविवार से शुरू हुआ पहले रोज राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज केंद्र में परीक्षकों ने तीन हज़ार का मूल्यांकन किया उधर अनुपस्थित चल परीक्षकों व अंक अंकेक्षकों को सोमवार तक की मोहलत दी है और इसके बाद जो है विभागीय कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी इस तरह से यहाँ पे कहा गया है और वही बात करो उत्तराखंड की नए रोजगार के तो यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड सरकार ने एक और नया रोजगार देने के यहाँ पे कहा गया है और ये रोजगार जो अग आपको बीस हज़ार युवाओं को जो है बाइक देगी सरकार ऐसा यहाँ पे कहा गया है जो कि डॉक्टर धन सिंह रावत ने यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे बयान दिया है तैयारी है यहाँ पे स्वरोजगार योजना के तहत पर्यटन क्षेत्र से जुड़ेगी सरकार तो यहाँ पर देखते हैं राज्य सरकार बीस हज़ार युवाओं को स्वरोजगार योजना के तहत मोटरसाइकिल उपलब्ध कराकर उन्हें पर्यटन क्षेत्र से जोड़ेगी तो यहाँ पर जो है बीस हज़ार युवाओं को जो है स्वरोजगार के तहत जो है मोटरसाइकिल दिलाएगी और उसको जो है पर्यटन क्षेत्र में से जुड़ेगा ऐसा यहाँ पे कहा गया है और इसके अलावा जो है डेयरी क्षेत्र में भी स्वरोजगार की अपार संभावनाएँ हैं यह कहना है उच्च शिक्षा मंत्री हैं जो कि यहाँ पे राज्य मंत्री डॉक्टर धनसिंह राव ने यहाँ पे कहा गया है रविवार को उन्होंने देवभूमि विचार मंच एवं स्वदेशी जागरण मंच की ओर से आयोजित ऑनलाइन संगोष्ठी में बत, बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि डेयरी के क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो है यहाँ पे डेयरी के लिए पच्चीस प्रतिशत सब्सिडी के साथ कर्ज़ और उन्नत किस्म की गाय भी जो है इनको दी जाएगी ऐसा यहाँ पे कहा गया और इसके लिए जो है चार हज़ार से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया है मिल्क बूथ के लिए दो लाख का ऋण पच्ची प्रतिशत सब्सिडी के साथ जो है डेयरी के साथ के लिए चार रुपये राशि सरकार से दी जा रही है ऐसा पे कहा गया है और उच्च राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत से लेकर पच्चीस लाख तक का जो है ऋण मिलेगा और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के विकास हेतु आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है इस तरह से यहाँ पे कहा गया है उत्तराखंड के युवाओं के लिए जो है रोजगार दिस्त यहाँ पे देंगे ऐसा यहाँ पे कहा गया है डॉक्टर सिंह रावत ने और वही बात करो नेक्स्ट कवर कर की तो प्रमोशन में और सीधी भर्ती में लागू हो आरक्षण का कानून तो यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो यहाँ पे संगठन है उनका कहना ये है कि जो प्रमोशन और सीधी भर्ती में है उनमें जो है आरक्षण कानून जो है लागू होना चाहिए ऐसा यहाँ पे कहा गया है बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पर स्कूल ना खुले तो ऑनलाइन जारी रहेगी पढ़ाई तो यहाँ पर अगर स्कूल नहीं खुलते हैं तो ऑनलाइन जो है पढ़ाई की जाएगी इस तरह से यहाँ पर कहा गया है नए शैक्षिक सत्र में स्कूलों के विधिवत खुलने तक ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई जारी रहेगी तो यहाँ पर अगर स्कूल नहीं खुलेंगे तो ऑनलाइन जो है पढ़ाई रहेगी ऐसा यहाँ पर कहा तो गया है राज्य के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत एक जुलाई से होती है लेकिन स्कूलों के खुलने पर अब तक तस्वीर साफ नहीं है सरकारी शैक्षिक संस्थानों के लिए केंद्र की गाइडलाइन का इंतजार कर रही है तो यहाँ पर केंद्र की गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं और वहीं पर बात करें यहाँ पर देखते हैं के वी के एडमिशन को लेकर जो है असमंजस तो में है तो प्रदेश भर में केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है अभ्याव को जून माह के अंत तक केंद्रीय स्तर से गाइडलाइन आने की उम्मीद जरूर है और लेकिन स्थानीय स्तर पर अधिकारियों का कोई अपडेट नहीं मिल रहा है इस तरह से यहाँ पे कहा गया है बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड के प्रतिनिधि खुद ले जाएंगे ओ एम आर सी तो यहाँ पर जो है बोर्ड के प्रतिनिधि खुद जो है ओ एम आर सी लेके जाने वाले हैं तो इस बार जो है यहाँ पर कहा गया है काफ़ी बड़ा परिवर्तन कर रखा है कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया में बड़ा परिवर्तन किया है इस साल मूल्यांकन के बाद विषयवार ओ एम खुद बोर्ड के प्रतिनिधि हर परीक्षा केंद्र पर जाकर रिसीव करेंगे ऐसा यहाँ पर कहा गया है जबकि पूर्व में हर पर हर मूल्यांकन केंद्र से प्रतिनिधियों को ओ एम आर सीट जमा करने करने जाना पड़ता था तो अब जो है यहाँ पर चेंजेस कर दे गए हैं और वही बात करें नेक्स्ट वर्ड की नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कॉपियाँ जाँच से पहले थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरे शिक्षक तो यहाँ पर जो तो है पेपर के जो कॉपी जाँच करने हैं उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं का जो पेपर कॉपियाँ हैं उनको जाँच करने से पहले आपको जो है यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा तब जो है आपको मूल्यांकन करने दिया जाएगा तो यहाँ पर देखते हैं जिले में उत्तराखंड बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है जिले जिले में रविवार से उत्तराखंड बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाएँ का जो है यहाँ पे दूसरा चरण मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया है सुबह जो है करीब साढ़े सात बजे मूल्यांकन केंद्र में प्रवेश से पूर्व शिक्षक और शिक्षिकाओं की थर्मल स्क्रीनिंग की गई रुद्रपुर के ए एन छाइंटर कॉलेज में बनाया गया मूल्यांकन केंद्र में पहले दिन करीब अठाई हजार उत्तर प्रत्येक जाँच की तो अठाई हजार जो है जांच की पहले दिन पे कहा गया है